हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। एंड आज जो हम लोग गेस करो कि हम लोग यहाँ से मतलब कोटद्वार से जा रहे हैं पहाड़ की तरफ, मतलब पहाड़ों की नगरी में। तो चलो फिर दिव्या को दिया को वो यहाँ पे जो है ये बहुत मस्ती कर रही है। तो हम लोग निकल चुके हैं कोटद्वार से, मतलब कि ये कलाल घाटी के रास्ते से हम लोग निकल रहे हैं। तो अभी सीधे निकलेंगे और जाएंगे हम लोग जैसे कि हाँ, तो हम लोग पहाड़ पे जा रहे हैं। तो ठीक है, निकलते हैं, चलिए फिर चलते हैं। और अभी हम लोग है पेट्रोल पंप के यहाँ पे, जैसे कि अभी पेट्रोल वगैरह भरा रहे हैं गाड़ी वाले। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं यहाँ से, फिर थोड़ी देर में निकलेंगे। देख सकते हो पेट्रोल वेट्रोल भराया जा रहा है, थोड़ी तो पेट्रोल नहीं डीजल भराया जा रहा है, मैं पेट्रोल बोला मैं। तो अभी थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से। अभी जैसे कि एंट्री मार चुके हैं पहाड़ पे जाने का रास्ता। तो देख सकते हो ये जो व्यू है यहाँ पे काफ़ी, अभी नदी भी देखो कितनी मतलब बह रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है और नदी का जो बहाव है बहुत ही ज़्यादा है, दिख रहा है आप लोगों को, दिखा ये देख सकते हो पूरा साइड से। थोड़ा सा आगे आ गए हम लोग नदी से, थोड़ा सा आगे, तो ज़्यादा अंदर भी नहीं। तो अभी थोड़ा धीरे धीरे हाई एल्टीट्यूड पर पहुँचेंगे। तो चलिए देखते रहिए, चलते रहिए। देखिए अंदर की ओर जा ही रहे हैं और देख सकते हो जो लोकेशन जो व्यू है यहाँ पे काफ़ी अलग ही दिखाई दे रहा है। जो पेड़ और बीच में जो रोड है, काफ़ी दृश्य जो नज़र आ रहा है, सब बैठे हुए हैं देख सकते हो। और सब मूड बहुत मस्त हो जाता है जब ऐसे पहाड़ पे आप आओगे और ये व्यू देखोगे दोस्तों। इट्स लेस लाइक हेवन, आप हेवन में आ चुके हो ऐसा लगेगा आप लोगों को। मैं दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा माहौल है, इट्स वेरी गुड एंड वेरी नाइस एनवायरनमेंट। क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, मतलब ठंडा है यहाँ पे इस समय। सो जो बारिश का टाइम है और अभी मतलब तो माहौल में, मतलब कि जैसे मुंबई दिल्ली वगैरह यहाँ पे देखोगे तो बहुत गर्मी है, लेकिन पहाड़ों में एकदम ठंडी है। तो ठंड है यहाँ पर। और जो जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में बैठा हूँ थोड़ा सा व्यू देखने के लिए, तो गाड़ी के लेफ्ट साइड में हो खिड़की के बाद, तो देख सकते हो यहाँ पे कितना अलग ही माहौल है। और ये नदी दिख रही है आप लोगों को, ये पूरी की पूरी से हर रोड में आप लोगों को ऐसे ही देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इस साइड में आओगे तो। ये मतलब कंपेयर करो कि शहरों से अलग ही माहौल, अलग ही मतलब क्लाइमेट लगता है। तो देख सकते हो पूरा व्यू, और जो व्यू है यहाँ से देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा क्लाइमेट के साथ ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पे, और खूबसूरत सा माहौल देखने को मिल जाता है। हरा भरा पहाड़ पे हरियाली पूरी, मतलब बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग को भी टाइम मिले तो ऐसे जगह पे घूमने के लिए आओ आप लोग, देखो ऐसे जगहों को, काफ़ी अच्छा फील होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा ऐसे जगह पे आके। तो इस समय हम आनंद ले रहे इस जगह का, तो काफ़ी अलग ही मोमेंट क्रिएट हो जा रहा है यहाँ पर, और अलग सा फीलिंग आता है जैसा है कि हम कोई दूसरी मतलब ऐसे जगह चले गए हैं जहाँ पर मतलब कुछ हम बोल नहीं सकते कि यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा, ऐसे जगहों पर हम आ चुके हैं। तो ये है कुछ देखने का अंदाज़ अपना है, और कुछ अलग ही देखने का मूड हो जाता है जब आप आओगे तो आपका मन नहीं करेगा कि ऐसी जगह से वापस जाना, क्योंकि अलग लगता है यहाँ फीलिंग, ऐसे लगता है कि मानो स्वर्ग में आ चुके हैं हम लोग। फिलहाल जा रहे हो, देखो पहाड़ का सीन देखो, छोटे छोटे गांव होते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो अलग अलग दिख रहा है आप लोगों को गांव छोटे छोटे। यहाँ पे सामने बिल्कुल ठीक जो पहाड़ के बीच में ऐसे बसे होते हैं, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। गाँव अलग अलग छोटा छोटा होता है, बीच में अलग रास्ते होते हैं, पहाड़ में चलने के रास्ते होते हैं। यहाँ पे देखो बारिश हो रही थी तो ऊपर से सामान ऐसे ही था, तो वहाँ पर रखना था, छपरा वगैरह डालना था, तो बारिश के लिए बचने के लिए भाई जी डाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा व्यू देखने की कोशिश की है हमने, तो काफ़ी घना जंगल पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देख सकते हो दोस्तों पूरा जंगल वाला एरिया। बस आ गया हम लोग, तो देख रहे हाई एल्टीट्यूड में मतलब पूरा पूरा फॉग जमा हो गया, मतलब बादलों के बीच में हम लोग आ चुके हैं ऐसा लग रहा है। देख सकते हो पूरा आगे व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है पूरा, तो ऐसा लग रहा है बादलों के बीच में हम लोग हैं, और रियल में है हम लोग बादलों के बीच में।
देख सकते हो ये पूरा है ही ऐसा कि यहाँ पे अगर आप आओगे ना तो बादल आपको आपके लेवल पे दिखाई देगा। एक लेवल पे पहुँचने के बाद गाड़ी से जब आप जाओगे तो ऐसा लगे आप बादल के बीच में हो, सच में ऐसा लगता है और रियल है ये। तो हम लोग को नॉर्मल लगता है कि हम लोग देखते हैं, इसलिए आप देखोगे तो आपको आप बोलोगे कि अलग ही मज़ा आ रहा है सब चीज़ें देख के। अच्छा लगा दोस्तों आपको ये सब गाइस, तो कमेंट करके बताना है किस तरीके का व्यू लगा और किस तरीके का मतलब माहौल लगा यहाँ पे, किस तरीके का क्लाइमेट है, किस तरीके का जो नेचर है यहाँ पे, कैसा लगा आप लोग उत्तराखंड। तो ये है उत्तराखंड की वादियाँ दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से भी व्यू जो दिखाई दे रहा है काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। तो हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे हमारे गाँव की तरफ, तो अभी तो फ़िलहाल चल ही रही है तो आधा एक घंटा लगेगा, आधा घंटा और लगेगा तो हम उसके बाद पहुंच जाएंगे। तो व्यू देखो दोस्तों यहाँ से पहाड़ कितना सुंदर, काफ़ी ब्यूटीफुल दिखा देगा। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। तो दोस्तों यहाँ पे रोडे भी मतलब काफ़ी क्लियर रहती है, साफ़ सुथरी, और मतलब बीच में थोड़ा बहुत गड्ढे उड्ढे मिल जाएंगे आप लोग, लेकिन पूरा क्लीन नीट रोड भी एकदम मस्त, तो चलाने में गाड़ी वाले को मज़ा आता है। हम लोग थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे जड़दा देवी के यहाँ और फिर वहाँ से हम लोग घर की ओर निकलेंगे। तो चलते हैं, गाड़ी भी देखो रोड भी बहुत अच्छी है, तो पहाड़ का व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है, यहाँ से काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा। तो जो ये है सतपुली, तो सतपुली में पहुँच गए और सतपुली में अभी पहुँच गए तो थोड़ी देर में हम लोग मतलब पहुँच जाएंगे। दोस्तों नहीं दिख रहा आप लोग, इस समय हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले हैं मतलब सतपुली के आगे, तो नदी देखो वो बिल्कुल आगे जो है नदी जा रही है, काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है, बहुत पानी है दोस्तों देख सकते
है, ये है कोटद्वार का पानी और यहाँ पे देख सकते हो अनलिमिटेड पानी आते रहता है पहाड़ों से। पूरा देख सकते हो पहाड़ का लोकेशन दिखा दो थोड़ा, काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ लोकेशन देख सकते हो। कितनी खाई है नीचे दोस्तों, नीचे जाना डेंजरस है। दूर दूर तक कैसे घर रहते हैं वहाँ पे, छोटे छोटे मकान। और ये देख सकते हो दीपी पैर वीर धो रहा है, मतलब पानी मुफ्त में मिला तो मतलब पैर वीर धोगे क्या? हाँ भाई, ये सब गलत बात है। मुफ्त का पानी पहाड़ों के बीच में इस टाइम पे हेवन में देख सकते हो, बिल्कुल ही अलग अंदाज, अलग माहौल। पहाड़ों के बीच में बारिश का भी मौसम पूरा बना हुआ है दोस्तों, देख सकते हो काफ़ी सुंदर। मैंने बोला हम लोग जंडा देवी पहुँचने वाले थे, पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग यहाँ से राइट मांग रखता है तो वहाँ से हम निकलेंगे, जैसे कि गाड़ी जहाँ पे खड़ी है इस समय। तो दोस्तों इस समय मैं हूँ जंडा देवी की साइड में और ये है जंडा देवी का मंदिर। जैसे कि काफ़ी टाइम आ चुके हम लोग यहाँ पे, व्यू देखो यहाँ पे। और ये बिरला तेलू रोतेली स्टैचू है और यहाँ पे देखो मंदिर है, फेमस मंदिर है, मेला होता है यहाँ पे काफ़ी, जंडा देवी का मेला। तो फिर चलते आगे की ओर।